हाय गाइस, मैं हूं सुजाता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है क्रैलॉन का सुप्राबेस। आज मैं आप सबको क्रैलॉन के सुप्राबेस के बारे में बताऊंगी और ये किस किस तरह के स्किन पे अप्लाई हो सकता है और इसकी कवरेज कितनी है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं दूंगी। क्रैलॉन एक प्रोफेशनल मेकअप ब्रांड है जो कि जर्मन बेस्ड ब्रांड है। काफी सालों से है ये 70-80 इयर्स पुराना ब्रांड है। तो इसे बहुत सारे बेसेस आते हैं, जैसे सुप्रा का बेस आता है, डर्मा बेस आता है, सिलिकन आता है, एचपी आता है, बहुत सारे बेसेस आते हैं इसमें। तो आज मैं आप सबको क्रैलॉन का जो सुप्रा कलर का बेस है उसके बारे में आप सबको डिटेल्स बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है और कवरेज कितनी है। सुप्रा कलर जो है ये एक तरह से इसके बेस का नाम है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे बेसेस होते हैं। तो सुप्रा कलर जो है इसके ये बेसिक बेस का नाम है और इस बेस की जो कंसिस्टेंसी होती है वो क्रीम बेस कंसिस्टेंसी होती है। यानी कि सुप्रा का जो बेस है वो क्रीमी बेस है और इसे 10 साल से लेके 50 साल या उससे ऊपर के लोग भी इसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और उससे उनकी स्किन कहीं भी कोई भी डैमेज नहीं होगी। और ये 40-45% कवरेज देता है और इसमें 60% मॉइस्चराइजर होता है जो कि ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। यह ड्राई स्किन और एक्सेस ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। सुप्रा कलर दो तरह से आता है, एक तो जो ये है ये रिपल पैक है, मतलब ये फिनिश होने के बाद इसमें आप नया परचेज करके इसको इसके अंदर क्लीन कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा पेंट स्टिक आता है। तो ये जो रिफिल पैक है दोस्तों वो ड्राई स्किन और एक्सेस ड्राई स्किन के लिए है और दूसरा है वो टीवी पेंट स्टिक जो कि ऑयली स्किन वालों को बहुत अच्छा जाता है। पेंट टीवी स्टिक जो है वो उसका इमेज मैं, मेरे पास वो नहीं है तो उसका इमेज मैं आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं डाल दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि मेरे स्किन पे कौन सा बेस जाता है। तो मेरे पास है 801004 है और ये मुझे टोटल पड़ा है 2500 रुपीज का। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊंगी कि इसमें कौन कौन से कलर्स हैं और इनका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये नीचे ये सारे बेस कलर्स हैं, FS24, FS25, FS26, FS27, FS28 और FS29। और एक FS38 भी होता है जो कि बहुत ज्यादा फेयर स्किन पे आता है। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, साइबरी होता है, G165 होता है, उसके अलावा फिर 626B होता है। तो ये सारे कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग स्किन बेस पे आते हैं। उसके बाद आता है ये ऑरेंज कलर का न्यूट्रलाइजर जो कि हमारे स्किन के डार्क ब्राउन कलर्स के प्रॉब्लम को हाइड करता है। हमारे स्किन पे जो डार्क सर्कल्स होते हैं आईज के नीचे उसको हाइड करने में मदद करता है, ब्लेमिशेस वगैरह को हाइड करने में हमारी स्किन से हेल्प करता है। ये होता है ग्रीन कलर का न्यूट्रलाइजर जो कि हमारे स्किन के एक्टिव एक्नेस वगैरह को या रेड कलर के मार्क्स कह सकते हैं उनको हाइड करने में हमारी मदद करता है। ये है एक बेस का काम करता है लेकिन हमारे इंडिया में निक्रो इतने डार्क कलर के लोग नहीं पाए जाते हैं जिनपे एज ए बेस यूज कर सकते हैं। क्रैलॉन में ये एज ए बेस ही दिया गया है बट इसको हम लोग कंटोरिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये NG2 है यानी कि निक्रो 2 है, यानी कि निक्रो साइड के जो साउथ साइड के लोग होते हैं, साउथ अफ्रीका चाहे बहुत डार्क कलर के जो लोग होते हैं उन पे ये एज ए बेस यूज होता है जो कि इंडिया में पाए नहीं जाते हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए बेस बनाया गया है। बट ये हम लोग यहाँ पे इंडिया में एज ए कंटोरिंग के इसके काम आता है, इसको हम लोग अपने स्किन पे एज ए कंटोर के काम करते हैं, यूज करते हैं एज ए कंटोर, हम इसे अपने स्किन पे यूज करते हैं। उसके बाद आइवरी है, उसके बाद FS22 है। FS22 जो है वो जैसा कि आपको पहले मैं बता देती हूँ, स्किन टोन दो तरह की होती है, एक पेल टोन होती है और एक पिंक टोन होती है। तो जो नॉर्थ साइड के लोग होते हैं उनकी स्किन टोन पेल टोन होती है यानी कि येलोइश टाइप में ज्यादा जाती है, येलोइश टोन की तरफ ज्यादा जाती है, येलो कलर की तरफ ज्यादा जाती है। और जो हिल स्टेशन पे जो लोग पाए जाते हैं उनकी होती है पिंक टोन, यानी कि उनका व्हाइट की तरफ उनका स्किन ज्यादा जाता है। तो हिल स्टेशन साइड के लोग काफी गोरे होते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है अंडर आई डार्क सर्कल्स, उनके हमारे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा डार्क कलर के होते हैं, उनके लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, तो उसके लिए पिंक टोन से रिलेटेड भी चीजों को हाइड करने के लिए FS22 आता है।
जो कि लाइट ब्राउन कलर के जो भी उनके आई अंडर आई डार्क सर्कल्स वगैरह को है वो हाइड करने के काम आता है. और जो पेल टोन के लिए लोग होते हैं उनके लिए FS 22, 24 से लेके FS 38 बेस आते हैं. ये है आपका FS 24, FS 25, FS 26, FS 27, FS 28, FS 29. और एक और होता है FS 38 जो कि बहुत ही ज्यादा गोरे लोगों पे हो जाता है बेस, जो कि मैंने लिया हुआ नहीं है. और FS 24 जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों पे जाता है. FS 25 जो है वो डस्की कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों पे आता है. FS 26 जो है वो विटीज डस्की स्किन पे आता है. FS 27 है वो विटीज स्किन पे आता है. FS 28 जो है वो नॉर्मल जो इंडियन स्किन टोन है उस पे आता है. और FS 29 है जो थोड़े ज्यादा गोरे लोग होते हैं उन पे आता है. और उसके बाद आता है FS 38 जो कि बहुत ज्यादा गोरे एक्सेस जो व्हाइट कलर बहुत गोरे रंग के लोग होते हैं उन पे ये आगे का जो FS 38 जो है अभी नहीं है वो FS 38 उनकी स्किन पे आता है. FS 22 और 6 to 6B ये दोनों जो कलर है वो पिंक टोन के लोगों पे जाता है. उनकी एज ए स्किन पे हम बेस की तरह यूज कर सकते हैं. उनके प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं. और ऑरेंज और ग्रीन करेक्टर के बारे में और NG2 के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. और ये बाकी सारे जो है वो नीचे के बेस है जो इंडियन स्किन टोन पे आते हैं जो की पेल टोन पे होते हैं. FS 24 से लेके FS 29 तक. इसके अलावा भी और बहुत सारे शेड्स आते हैं क्रायन में और मैंने इसे अपने यूज के अकॉर्डिंग लिया है. तो आप भी अपने यूज के अकॉर्डिंग इस सेट को ले सकते हैं. और इसका मैं डेमो भी आप लोगों को बताऊंगी और आपको मैं बताऊंगी कि इस बेस की सहायता से कैसे अपने स्किन के प्रॉब्लम्स को हाइड करके एक अच्छा सा बेस तैयार कर सकते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो अगर मैं इस वीडियो में आपको डेमो बताऊंगी तो काफी लंबा हो जाएगा. तो इसीलिए मैं जो आपका डेमो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी. आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है. जिससे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.